लाए कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए, उन पर फरिश्तों का नुजूल होता है। ना कोई गम करो ना खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए ना कोई खटका ना कोई खतरा ना कोई खौफ ना कोई हुज्न। जो कुछ हो रहा है किसके इज्न से हो रहा है? अल्लाह के इज्न से। अल्लाह के इज्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला आ रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, ना मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीय बसीर खुदा है, वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलीयुल लजीना आमनु युखरिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्ट पनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्ट पनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उसे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है, उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर ना ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर ना ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बचिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई, ये ईमान का हासिल है लुबे लुबाब। कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शायद जो अल्लाह ने तय कर दी है।